हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आप सभी लोगों का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम नीट डीपीपी 28 में किंगडम एनिमेलिया के लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये जो एमसीक्यू है ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे आज के इस लाइव टेस्ट में और सभी के सभी किंगडम एनिमेलिया चैप्टर से रहेंगे। आपको जैसे पता है कि किंगडम एनिमेलिया इसमें 10 मेजर फाइलम्स आते हैं, फाइलम पोरीफेरा से लेके हेमिकोर्डेटा तक। उसके बाद टेट्रापोडा आते हैं, टेट्रापोडा में पाइसेस, एउस, एम्फीबिया और मैमेलिया होते हैं। इसमें फिशेस होते हैं, मतलब पाइसेस होते हैं। तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही क्लियरली, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट होने के बाद कुछ समय के बाद आप स्टूडेंट मैसेज करते रहते हो कि सर साउंड क्लियर नहीं है। तो क्या आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है मेरा क्लियरली? कम ऑन गाइस, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हार्दी, प्राची, रोहिणी, अपूर्वा, सोनिया, रोहिणी, जयेश, मनीष। ओके गाइस, आई गोट योर मैसेज दैट यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली, सो लेट्स बिगिन विथ द टेस्ट। चलो, आपके सामने 20 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। कम ऑन गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किंगडम एनिमेलिया। ये देखो, एनिमलों का प्रतीक, अ सिंबल ऑफ एनिमल। चलो, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन ये देखिए। इन प्लेटीहेलमिंथ्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज, ऑप्शन ए इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस, ऑप्शन बी इट हैज सकर एंड हुक इन पैरासाइटिक फॉर्म, ऑप्शन सी इट हैज ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कम ऑन गाइस, आपको आपको 30 सेकंड नहीं, हम 45 सेकंड देते हैं, 45 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 30 सेकंड काफी कम हो जाते हैं, सोचने में टाइम निकल जाता है आप लोगों का। ओके, जय से सी, प्राची से सी, बट इकरा, कम ऑन इकरा, मैसेज को डिलीट मत किया करो, कोई भी मैसेज को डिलीट मत किया करो ठाकुर साहब। सो गाइस, योर टाइम अप नाउ। ये देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन पूछा गया है, इन प्लेटीहेलमिंथ्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज। तो आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब अगर किसी एनिमल के पास दो ओपनिंग है, एक फूड इंजेस्ट करने के लिए जिसे हम माउथ कहते हैं और एक फूड को सॉरी एक वेस्ट को रिमूव करने के लिए एज ए एनस, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं उसे? कंप्लीट। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यह होता है अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी एनिमल को या तो ह्यूमन को, ह्यूमन तो बेसिकली कंप्लीट में ही आते हैं, अगर किसी एनिमल को एक ही ओपनिंग है जिसके थ्रू वो फूड इंटेक भी करते हैं और वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आप सी देख सकते हो, इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व एज अ बोथ माउथ एंड एनस। उन प्लेटीहेलमिंथ्स के अंदर एक ही ओपनिंग होती है जो वो फूड को इंटेक करने के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं। तो गाइस, इसका आंसर हो जाता है सी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी कैंडिडेट आप अभी लाइव हो, सभी लोगों ने चैट करना चाहिए, सभी लोगों ने आंसर का रिप्लाई फीडबैक देना चाहिए, तो ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा सभी के अंदर। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री दैट स्टार्ट फ्रॉम विच फाइलम ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी एस्केलमेंस, ऑप्शन डी प्लेटीहेलमेंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब
ऐसे एनिमल जिनके अंदर तीन जर्म लेयर्स होते हैं, ऐसे एनिमल जिनके अंदर तीन जर्म लेयर्स होते हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और बायलेटरल सिमेट्री मतलब अगर आपको, अगर आप उनको वर्टिकल सेक्शन में कट करोगे तो उनके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। कम ऑन, मनीष पॉल सेज डी। मनीष पाल ने फिर से आंसर बदल दिया सी। एक फिक्स रखिए मनीष। चलो मिथुन वसावे बी, दुर्गेश सेस वन, जय सेस डी। कम ऑन गाइस, योर टाइम अप नाउ। सो गाइस, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लस बायलेटरल सिमेट्री, ये कौन से फाइलम के फीचर्स हैं? ये प्लेटी एलिमेंट्स के फाइलम के फीचर हैं जो कि इवोल्यूशन के पीरियड में डेवलप हुए थे। तो हमारा बी का मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर निकल के आता है डी, प्लेटी हेलमेंट्स। यस मनीष, आप सही थे पहले, फिर आपने चेंज कर दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर किसे पूछो? अपने हार्ट से पूछो, अपने दिल से पूछो कि क्या आंसर है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की होगी तो दिल से अच्छी तरह से की होगी, फिर आप अपने जो आंसर है ना उनके ऊपर श्योर रहो। ओके चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स दैट अनेबल अस टू क्लासीफाई द एनिमल किंगडम इज आर, ऑप्शन ए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सिलोम, ऑप्शन बी सेल ऑर्गेनाइजेशन इन सिमेट्री, ऑप्शन सी सेगमेंटेशन एंड नोटोकोड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, अपूर्वा सेस डी, जय सेस डी, प्राची डी। कम ऑन गाइस, एवरीवन इज सेइंग डी। सो गाइस ये देखिए, द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स दैट अनेबल अस टू क्लासीफाई द एनिमल किंगडम, मतलब सिंपली ये पूछा गया है कि एनिमलों को क्लासिफिकेशन करने के लिए इनमें से कौन से फीचर्स हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलोम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सेलुलर लेवल पे होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो टिश्यू लेवल या तो ऑर्गन लेवल के ऊपर क्लासिफाइड किए जाते हैं। और सिलोम, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, तो पहला वाला तो सही है। उसके बाद सेलुलर सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री, मतलब सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, या तो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। उसके बाद सिमेट्री, सिमेट्री मतलब अगर आप किसी एनिमल को सेंटर से कट कर देते हो, मतलब वर्टिकल सेक्शन से कट करते हो, तो क्या उनकी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट करते हो तो क्या उनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं सिमेट्री। फिर सेगमेंटेशन मतलब बॉडी सेगमेंट से बनी हुई है, और नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। तो गाइस ये सारा के सारे जो है वो फीचर्स हैं। तो हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिडेंटरी और डज नॉट शो लोकोमोशन, इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक जगह पर स्टेबल होते हैं, मूवमेंट करते ही नहीं, बिल्कुल स्टेबल होते हैं। ऑप्शन है साइकॉन, बी अमीबा, ऑप्शन सी हाइड्रा एंड डी फाइसेलिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Come on guys, question number 4, answer is A, you are saying. Maximum candidates are saying A answer. So let's begin.
सो गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिडेंटरी और डज नॉट शो लोकोमोशन? तो इनमें से मूवमेंट कौन नहीं करता? साइकॉन जो एनिमल होते हैं वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। साइकॉन जहाँ पे होते हैं वो हमेशा वहीं पे स्टेबल रहते हैं, तो ये मूवमेंट नहीं करते हैं। तो आंसर हो गया हमारा ए, साइकॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्पॉन्जेस स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय, इन स्पॉन्जेस स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय, ऑप्शन ए कोइनोसाइट्स, ऑप्शन बी अमीबोसाइट्स, ऑप्शन सी पिनोसाइट्स, ऑप्शन डी आर्चियोसाइट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस। सो इन स्पॉन्जेस स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं उनके अंदर स्पॉन्जोसील जो एम्प्टी कैविटी होती है वो कोइनोसाइट्स के कारण होती है, ना कि अमीबोसाइट्स, पिनोसाइट्स और आर्चियोसाइट्स। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बन जाता है वो है ए, कोइनोसाइट्स। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर करंट इन स्पॉन्जेस इज, स्पॉन्जेस के अंदर जो वाटर करंट है वो कैसे फ्लो होता है? योर ऑप्शंस आर ऑस्टिया ऑस्कुलम स्पॉन्जोसिल आउटसाइड, ऑस्कुलम स्पॉन्जोसिल ऑस्टिया आउटसाइड, ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल ऑस्कुलम आउटसाइड एंड ऑस्कुलम ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल आउटसाइड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, डियर ऑल स्टूडेंट, हाय हेलो हाउ आर यू, सब चलते रहेगा, आप आंसर दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, फास्ट। So your time up now. So correct flow for water current in sponges. तो actually sponges में water current कैसे flow होता है? सबसे पहले ostia, उसके बाद आता है spongocil, उसके बाद osculum, फिर water बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये होता है current flow of water current in sponges. Ostia, spongocil, osculum, outside. So answer is C. Come on guys. आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम ऑन गाइस सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, 6 MCQ हो गए हमारे। Come on guys. जितने भी कैंडिडेट लाइव हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। Come on guys. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए कैप्चर ऑफ प्रे, ऑप्शन बी एंकरेज, ऑप्शन सी डिफेंस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस,
सो गाइस योर टाइम ऑफ नाउ। नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर, सो नाइडोब्लास्ट जो होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं, ये फूड को कैप्चर करने के लिए भी होते हैं, इनका काम एंकरेज करना भी होता है और ये डिफेंसिव रोल भी प्ले करते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो होता है डी। देखते हैं आप सभी लोगों ने क्या आंसर दिया हुआ है गाइस। इसका आंसर है डी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन स्पॉन्जेस फ्लो ऑफ अ वॉटर करंट इन द स्पॉन्जोसिल इज मेंटेन बाय, इन स्पॉन्जेस फ्लो ऑफ वॉटर करंट इन स्पॉन्जोसिल इज मेंटेन बाय। ऑप्शन ए कोलर सेल्स, ऑप्शन बी अमीबॉइड सेल्स, ऑप्शन सी इपिथेलियल सेल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस। मनीष पाल मेरी कोचिंग होती है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस नंदुरबार। हेलो गाइस, तो आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। तो ये देखिए इन स्पॉन्जेस फ्लो वाटर करंट इन द स्पॉन्जोसिल इज मेंटेन बाय, तो इसका आंसर हो जाता है ए कोलर सेल्स। तो कोलर सेल्स जो होते हैं वो वाटर का जो करंट फ्लो होता है उसे मेंटेन करते हैं। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए कोलर सेल्स। चलो गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, मतलब अगर आप इवोल्यूशन से देखो तो सबसे पहले ट्रू सेगमेंटेशन किस में पाया गया था? प्लेटीएलमिंस, एस्केलमिंस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो हेलो मनीष पॉल, आपको मैंने मोबाइल नंबर चैट में डाल दिया हुआ है, आप बाद में ना मुझे कॉल करके पूछ लेना सब। इस वक्त आप टेस्ट के ऊपर फोकस करो। जयेश देवरे यस 199%। क्या है भैया जयेश, बाद में डिस्कस कर लेना है सब, फिलहाल पेपर के ऊपर ध्यान दो। सो गाइस ट्रू सेगमेंटेशन, अगर आपके सामने कभी भी सेगमेंटेशन वर्ड आता है तो सेगमेंटेशन से डायरेक्टली आपको क्या रिलेट करना है? एनिलिडा। एनिलिडा फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, पेरिथेमा पोस्थुमा। पेरिथेमा पोस्थुमा एक अर्थवर्म है जिसके अंदर बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वो सेगमेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आता है गाइस सी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम एस्केलमिंस, फाइलम एस्केलमिंस के बारे में हमें इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ऑप्शन बी सेक्सेस आर सेपरेट एंड डायोशियस, ऑप्शन सी ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स एंड ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके राहुल वेलकम। गाइस आपको जो पीछे वाले क्वेश्चंस में कुछ डिस्कशन करना हो ना वो वीडियो को फिर से आप लाइव जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से वीडियो को चला के आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप भेजिएगा मुझे, फिर हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस वाली टेस्ट के ऊपर फोकस करो। सो योर टाइम अप नाउ गाइस।
सो क्या आंसर दे रहे हो आप सभी लोग? प्राची सेज बी, अपूर्वा डी, रोहिणी डी, जयेश डी। चलो और कोई किसी को कुछ कहना है? सो गाइस हमें एस्केलमेंट्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो एस्केलमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो कंप्लीट होती है, मतलब इनके अंदर दो ओपनिंग होते हैं, एक माउथ होता है जिनके थ्रू वो फूड इंटेक करते हैं और एक एनस होता है जिसके थ्रू वो वेस्ट को इजेक्ट करते हैं, और प्लस इनके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स भी है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं है। सेकंड, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस, सही बात है, सेक्सेस ये सेपरेट है, बायसेक्सुअल नहीं होते हैं, और ऑफन फीमेल्स आर लार्जर देन मेल, यस ये तो उनका एक स्पेसिफिक फीचर से आइडेंटिफिकेशन के फीमेल कैसे आप पहचानोगे, तो फीमेल्स आर ऑफन लार्जर देन दी मेल्स। तो हमारा जो आंसर है वो है डी, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्चुअली इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना, तो हमारा जो आंसर है वो है डी। ओके गाइस, सो यहां तक हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के टेस्ट के। किसी को कोई डाउट अब तक? क्या चैटिंग मतलब आपको सब एक्सप्लेनेशन समझ रहा है प्रॉपरली? चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। मैच द कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आपके सामने कॉलम 1 है जिसमें ऑर्गेनिज्म के नाम है, कॉलम 2 है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के नाम है, और उसके सामने कॉलम 3 है। तो गाइस मैं आपको इसके लिए 1 मिनट दे देता हूँ, आप 1 मिनट में इसका आंसर निकालिए। थैंक यू मनीष पॉल। हम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, पता है हमें, बस आप स्टूडेंट भी आगे जाओ, आप प्रोग्रेस करो, हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी खुद ब खुद। वन मिनट सफिशिएंट है गाइस आप लोगों के लिए। कमऑन गाइस समय खत्म होता है आपका, तो चलो आपने क्या आंसर निकाला पहले आंसर बताइए मुझे, कमऑन चैट करके आंसर बताइए। कमऑन, यस मिथुन वसावे सेज बी, मनीष पॉल सेज डी, दुर्गेश सेज सी, राहुल राठौड़ सेज बी। कम ऑन गाइस कहाँ गए सब 11th स्टैंडर्ड वाले? वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। दुर्गेश सेज बी, कहाँ गए बाकी? चलो देखिए गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कैसे होता है। देखिए वुचेरिया क्या होता है, ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, इससे जनरली एलिफेंटाइसिस होता है। एलिफेंटाइसिस मतलब हाथी रोग, आपने देखा होगा कि पैर है ना सूज के हाथी के जैसे पैर हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं हाथी रोग। तो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो फिलारिया वॉर्म से, मतलब ए का सेकंड के साथ जुड़ेगा, और फिर ये जो फिलारिया वॉर्म है वो एंडोपेरासाइट है। फिलारिया वॉर्म जो होते हैं वो एंडोपेरासाइट होते हैं। तो हमें ए का सेकंड के साथ और एस के साथ जोड़ना है, तो ए का सेकंड के साथ यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है, ए का सेकंड के साथ देखो इन तीनों में जुड़ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन तो कट हो गया। फिर ए का सेकंड के साथ तो है लेकिन एस हमें चाहिए, तो एस है सिर्फ सेकंड। फिर देखिए बी, हिरुडिनारिया, हिरुडिनारिया ये ब्लड सकिंग लीच होता है,
हिरिडिनारिया एक लीच होता है जो ब्लड को सक करता है। तो सेकंड का आंसर थर्ड के साथ मैच करेंगे, ब्लड सकिंग, और ये मोनोशियस होता है, मोनोशियस। तो क्यू आना चाहिए, तो बी थर्ड क्यू, बी थर्ड क्यू। अगर ये दोनों के दोनों पैर जॉइंट हो गए तो हम आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमें चल जाएगा। तो हमारा आंसर है ना बी आ जाएगा, बिल्कुल बी आ जाएगा। सो गाइस बी है हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, ये देखिए, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स इज, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म इज, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स कौन होते हैं? जिनके पूरी डर्मिस के ऊपर मतलब स्किन के ऊपर स्पाइंस होते हैं, इनको हम कहते हैं इकाइनोडर्म्स। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सियस ऑसिकल्स, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, सी प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, डी ऑल ऑफ अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी गाइस, अपूर्वा से सी, दुर्गेश डी, रोहिणी सी, किरण वसावे डी, जय सी। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। तो देखिए जो इकाइनोडर्म्स होते हैं इनके अंदर ये स्पेशल फीचर्स होता है जो किसी में भी नहीं पाया जाता है, वो होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। मतलब हम हमारी बॉडी में जो न्यूट्रन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो ब्लड द्वारा करते हैं, लेकिन इकाइनोडर्म्स न्यूट्रन ट्रांसपोर्टेशन वाटर वास्कुलर सिस्टम के द्वारा करते हैं। तो इनका जो फीचर्स है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिक फीचर्स ऑफ अ मैमेलियन बॉडी इज द प्रेजेंस ऑफ, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फोर चेंबर हार्ट, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन सी होमोथर्मी एंड ऑप्शन डी रिब केज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राहुल क्वेश्चन का नंबर भी लिखो। अपूर्वा, जयेश, प्राची, जयस एस ए, बाकी सब लोग बी बोल रहे हैं। चलो गाइस मैक्सिमम कैंडिडेट बी बोल रहे हैं और ए भी बोल रहे हैं। अब किरण वसावे, मिथुन, हार्दिक मिस्त्री, जयेश, दुर्गेश एस ए, दुर्गेश चेंज टू बी। चलो देखते हैं गाइस, यूनिक फीचर्स ऑफ अ मैमेलियन बॉडी। तो मैमेलियन बॉडी के जो यूनिक फीचर्स होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? फोर चेंबर हार्ट। नो, फोर चेंबर हार्ट तो जो नॉन मैमेलियन होते हैं उनके अंदर भी होता है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे हैं। जैसे आपको पता है क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल और टर्टल के अंदर, सॉरी क्रोकोडाइल के अंदर फोर चेंबर हार्ट होता है। तो ये मैमेलियन नहीं होते हैं, फिर भी उनके अंदर फोर चेंबर हार्ट है, तो ये फीचर्स नहीं है। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, तो ये वाला सही है। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ मैमेलियन बॉडी। सो जिन्होंने भी प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम आंसर दिया हुआ है वो वाले सभी कैंडिडेट बिल्कुल सही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गोरिला, चिंपेंजी, मंकी एंड ह्यूमंस बिलोंग्स टू सेम, ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी ऑर्डर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
राहुल सेज बी, अपूर्वा सेज डी, प्राची सेज डी, कम ऑन, वेर आर अदर गाइस, सभी लोगों ने आंसर बताइए। हार्दिक मिस्त्री डी, मनीष पॉल बी, योर टाइम अप गाइस। सो देखो, गोरिला, चिंपेंजी, मंकी, ह्यूमन दे बिलोंग्स टू, तो ये सभी के सभी प्राइमेट्स कैटेगरी में आते हैं। गोरिला, चिंपेंजी, मंकी, ह्यूमन, ये सभी के सभी प्राइमेट्स कैटेगरी में आते हैं। और प्राइमेट्स क्या है? PRIMATES, प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स है ऑर्डर। अब यहाँ पे देख लेते एक बार, ये देखिए प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स, ह्यूमन। तो देखिए ह्यूमन का प्राइमेट्स, देखो ये ऑर्डर अगर हम देखें तो ऑर्डर देखो प्राइमेट्स हैं, और उसमें ह्यूमन आते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मंकी भी आ गए, और इसमें चिंपेंजी भी आ जाते हैं, गोरिला भी आ जाते हैं, चिंपेंजी भी आ जाते हैं, ह्यूमन भी आ जाते हैं। ये देखिए गोरिला भी आ गए, चिंपेंजी भी आ गए, और ह्यूमन भी आ गए, ठीक है। चलो तो इसका आंसर निकल के आता है डी, ऑर्डर। सो गाइस नेक्स्ट, राहुल राठौर फैमिली नहीं है, ऑर्डर आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल कोऑर्डिनेट्स हैव डबल सर्कुलेशन। ऑप्शन बी, ऑल वर्टेब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन सी, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर वर्टेब्रेट्स। ऑप्शन डी, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुमित सोनवने, हाय सुमित, वेलकम टू आनंदवानी बायोलॉजी क्लासेस एंड बायोलॉजी वाला नीलेश आनंदवानी। कम ऑन गाइस, अपूर्वा से सी, मनीष से डी, दुर्गेश बी, प्राची सी, रोहिणी सी, कम ऑन, वेर आर अदर गाइस, सभी लोगों ने आंसर देना चाहिए। योर टाइम अप नाउ। जितने भी कैंडिडेट हैं सी बोलने वाले, वो सभी के सभी गलत हैं। जितने भी कैंडिडेट बी बोलने वाले हैं वो भी गलत है, ए बोलने वाले वो भी गलत है। इसका आंसर है डी। ये देखिए ऑप्शन क्या है, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स, सही है ना। अभी हम कौन है, हम ह्यूमन बींग कौन है, हम ह्यूमन बींग है वर्टेब्रेट्स, तो हम वर्टेब्रेट्स भी हैं और हम कोऑर्डिनेट्स भी हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? ये देखिए स्टार्टिंग में जब ये पीछे बैकबोन था तो वो कार्टिलेजिनस था, जिसे हम नोटोकोड के नाम से पहचानते थे, और धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तो ये कार्टिलेज का कन्वर्जन हार्ड बोनी मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया वर्टेब्रल कॉलम। तो इसके लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सभी के सभी वर्टेब्रेट्स हैं, सभी के सभी वर्टेब्रेट हैं। सो ऑल वर्टेब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट, आंसर इज डी। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 16, एकदम सिंपल क्वेश्चन है इसका। अगर आपको चारों के चारों मैच करते नहीं आ रहे हैं तो आप दो को ही मैच कर लीजिए, पांच मैच करते नहीं आ रहे तो दो को मैच कीजिए। मैं आपको एक मिनट देता हूं, आप डायरेक्टली मैच कर लीजिए कॉलम वन और कॉलम टू में। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
कम ऑन गाइस, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। किसी का ये आंसर आया नहीं अभी, सिर्फ राहुल कह रहे हैं डी। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। चलो पहले आप सभी लोग आंसर दीजिए, फिर हम बात करते हैं। दुर्गेश गाइस 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। राहुल सेस डी, मिथुन वसावे सेस ए, जयेश सी, अपूर्वा डी। गाइस जो जो कैंडिडेट ने आपने डी आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, सब डी वाले बिल्कुल सही है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, साइक्लोस्टोमेट्स। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं? ये होते हैं अग्नेथा। अग्नेथा मतलब जिनका जो नीचे की तरफ हो, अग्नेथा मतलब जो लेस हम कह सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं सॉरी डायरेक्ट जो लेस। नेथोस्टोमेटा वो होते हैं जिनको जो होता है, अग्नेथा वो होते हैं जिनको जो ही नहीं होता है। सो साइक्लोस्टोम्स वो होते हैं जिनको जो नहीं होता है, मतलब अग्नेथा। तो ए का आर के साथ मैच कीजिए आप। तो देखिए ए का आर के साथ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए के साथ पी है, ए के साथ क्यू है, तो ए और बी दोनों कट हो गए। ए के साथ आर सी में भी, ए के साथ आर डी में भी है। तो उसके बाद एओस, एओस मतलब बर्ड्स। तो बर्ड्स कितने पैर वाले होते हैं? 4 पैर वाले होते हैं, टेट्रापोडा होते हैं बर्ड्स। तो एओस का टेट्रापोडा 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 टी में है। तो बी का हम टी के साथ मैच करेंगे, तो एक यहाँ पे बी का टी के साथ डी में मैच हो रहा है, ठीक है, बी का टी के साथ मैच हो रहा है, तो हम डायरेक्टली डी को आंसर सेलेक्ट कर देंगे। तो गाइस अगर आपको सभी मैच करते नहीं आ रहे तो एटलीस्ट 2 मैच कीजिए अच्छी तरह से, फिर आपका आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, बर्ड एंड मैमल शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ कॉमन फीचर। बर्ड और जो मैमल्स होते हैं, इन दोनों के अंदर ऐसा कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों को मैच करता है? ऑप्शन ए पिगमेंटेड स्किन, ऑप्शन बी निमोटेक्टिक बोन सॉरी निमोमेटिक बोन, ऑप्शन सी वीवी पैरिटी एंड ऑप्शन डी वार्म ब्लडेड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको 45 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अपूर्वा सेस डी, जय सेस डी, प्राची सेस डी। रोहिणी सेस डी। कम ऑन गाइस, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, कम ऑन गो फॉर इट वेरी फास्टली। योर टाइम अप नाउ। सो गाइस बर्ड और मैमल में कॉमन क्या है? पिगमेंटेड स्किन? नो, बर्ड के अंदर पिगमेंट्स नहीं होते हैं ऐसे। हाँ उनके फीदर्स में कलर हो सकते हैं, वो बात अलग है, और ह्यूमन में तो ऐसे कलर भी नहीं है। सेकंड निमोटिक बोन्स, निमोटिक बोन्स मतलब जिनके बोन्स के अंदर होल्स ज़्यादा हों, जो कि वो एयर स्टोर कर सके और उड़ सके, तो यस बर्ड्स में होते हैं लेकिन हमारे अंदर थोड़ी ना है। वीवी पैरिटी मतलब जो डायरेक्टली प्रेगनेंसी के बाद बेबी को जन्म दें। तो हम ह्यूमन बींग जन्म देते हैं, मैमल्स में काफ़ी ऐसे मैमल है जो जन्म देते हैं, लेकिन कुछ मैमल ऐसे भी है जो डायरेक्टली एग देते हैं, जैसे डक हुआ, और कुछ तो बेसिकली बर्ड ऐसे, मतलब बर्ड तो ऑलमोस्ट जितने भी बर्ड्स हैं मैक्सिमम 99% बर्ड जो होते हैं वो एग देते हैं, तो वीवी पैरिटी भी मैच नहीं होता। उसके बाद आता है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब क्या? बर्ड्स का और हमारा मैमल्स का सभी का खून है ना गर्म होता है नेचर में, तो आंसर होता है डी वार्म ब्लडेड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शंस आर कैरेक्टराइज बाय, ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शंस आर कैरेक्टराइज बाय। तो देखिए वीवी पेरेटी एंड बायकॉनकेव रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस एंड 4 चेंबर हार्ट, ऑप्शन सी हेटेरोडोन टीथ एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वा,
ऑप्शन डी अ मस्कुलर डायफ्राम एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। कम ऑन गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, ठाकुर साहब सेज डी, मिथुन सेज डी, दुर्गेश सेज डी। कम ऑन, 17 का सभी ने आंसर डी दे दिया हुआ है। राहुल, अपूर्वा, प्राची, जयेश, रोहिणी, राहुल, सभी लोगों को आंसर डी लगता है। कम ऑन गाइस, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सी आंसर क्यों नहीं है इसका? राहुल राठौड़, हेटेरोडोंट। राहुल, मैं वही पूछ रहा हूँ इन सभी से कि सी आंसर क्यों नहीं है। कम ऑन बताइए, हेटेरोडोंट टीथ एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। हमारे अंदर 12 पेयर्स ही होते हैं क्रेनियल नर्व, लेकिन हेटेरोडोंट क्यों नहीं होते हैं? कम ऑन एक्सप्लेन कीजिए कोई फटाफट जल्दी से, मुझे भी तो पता चले कि आप सब लोग अपने अपने मन से आंसर दे रहे हो क्या। एक दो ने डी आंसर दे दिया, फिर सब ने चिपका दिया वही। कम ऑन, इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को। कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। ओके, नो वन नोज द आंसर। हेटेरोडोन मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। जयश, ये तो हमको भी पता है, हेटेरोडोन मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हम ये पूछ रहे हैं कि हेटेरोडोन आंसर क्यों नहीं है। दुर्गे, यस सर, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सी आंसर क्यों नहीं है। डी आंसर आपने दिया, ठीक है। तो गाइस, आंसर है इसका डी, अ मस्कुलर डायफ्राम एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। हमारे मैमल के अंदर जो डायफ्राम होता है वो मस्कुलर डायफ्राम होता है, और मिल्क प्रोड्यूसिंग, ये तो खासियत है मैमल्स की। क्योंकि उनको मैमल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूसिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है डी। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। योर ऑप्शंस आर ए साइक्लोस्टोमेटा, ऑप्शन बी कॉन्ट्रिचिट्स, ऑप्शन सी ऑस्टियोचिट्स एंड ऑप्शन डी अग्नेथा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल मेंबर डोंट हैव नोटोकॉर्ड, ये बात भी सही है, लेकिन हमारे ह्यूमन बेम में भी हेटेरोडोंट नहीं है, सब होमोडोंट ही है। हेटेरोडोंट हम कह सकते हैं, लेकिन एज पर द CBSE हमारे ह्यूमन माउथ के डेंटल फॉर्मूला में सब होमोडोंट है। कम ऑन गाइस, योर टाइम अप नाउ। कम ऑन, 19 का आंसर क्या है? अग्नेथा। चलो आप बताइए। दुर्गेश सेज सी ऑस्टियोचिट्स। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, नो आइडिया। गाइस, माय बेबी वाज डिस्टर्बिंग मी, देयरफॉर ही इज आल्सो देयर। राम,
वॉन्ट टू से एनीथिंग बेबी? बेटा वॉन्ट टू से एनीथिंग? ओके सो गाइज आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर. आंसर इज बी कोंड्रिचिट्स. अभी कोंड्रिचिट्स का मतलब क्या होता है? देखिए आप मेरा बेबी देखो, छोटा बाबू राम. सो गाइज कोंड्रिचिट्स का मतलब क्या होता है? चिट्स का मतलब होता है फिशेस और कोंड्री का मतलब होता है कार्टिलेजनस. तो जो भी कार्टिलेजनस फिशेस होते हैं हम उनको कहते हैं कोंड्रिचिट्स. जो भी कार्टिलेजनस फिशेस होते हैं हम उनको कहते हैं कोंड्रिचिट्स. सो आंसर इज बी. सो गाइज अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज के टेस्ट का. लास्ट क्वेश्चन है द क्लास नेम रेप्टिलिया रिफर्स टू देयर. ऑप्शन ए स्केल्स दैट आर शेड एज अ स्किन कास्ट. ऑप्शन बी बॉडीज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉनिफर्स कॉर्निफाइड स्किन. ऑप्शन सी क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. डी पोइकुलोथर्मिक नेचर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाँ 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 पापा दे रहे हैं बेटू गाड़ी. वेट वेट दो मिनट बेटा, दो मिनट दो मिनट वो मत निकाल. रुक जा रुक जा. सो गाइस योर टाइम अप नाउ. सो देखते हैं इसका आंसर क्या दे रहे हो आप सभी लोग. राजकुमार वसावे सी, प्राची से सी, अपूर्वा से सी, जय से सी, सुमित सोनावने ए, रोहिणी से सी, दुर्गे से सी, हार्दिक मिस्त्री से सी, राजकुमार वसावे से सी, दुर्गेश राजपूत. हाय सुमित क्या बात है, चलो अच्छी जोड़ी आप लोगों की दोस्ती. सुमित सोनव ने जी. सो गाइस देखिए जो रेप्टिलिया होते हैं, रेप्टिलिया को मराठी में हम कहते हैं, अपन मराठी मध्ये त्यांना म्हणतो सरपटणारे प्राणी. मतलब एक ऐसे एनिमल जो ऐसे क्रॉलिंग टाइप घूमते हैं, जैसे सांप होते हैं रेप्टिलिया में, तो क्रॉलिंग टाइप जो घूमते हैं उनको हम कहते हैं रेप्टिलिया. तो गाइस इसका आंसर हो जाता है सी. इसका आंसर हो जाता है सी. तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से दिल से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए काफ़ी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और कोई अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट भी कर दीजिए और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली घंटी को भी दबा दीजिए. पास वाली घंटी को भी दबा दीजिए. तो ये है हमारा YouTube चैनल बायोलॉजी वाला नीलेश आनंदवाणी. बायोलॉजी वाला नीलेश आनंदवाणी. ओके गाइस सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये थे हमारे आज के 20 इम्पोर्टेंट MCQ रिलेटेड टू द नीट फ्रॉम द किंगडम एनिमेलिया. थैंक यू सो मच. सो गाइस कितने मार्क्स आए चलो बता दीजिए. जयेश 18, क्या बात है जयेश इतने मार्क्स आ गए. इतने तो गलत भी गए फिर भी 18 आ गए, चलो बढ़िया है. अपूर्वा 15 आउट ऑफ 20. दुर्गेश 17. प्राची 14. दुर्गेश गुड नाइट. क्या गुड नाइट दुर्गेश. जोपुंजा रोहिणी 14. राहुल 11 आउट ऑफ 20. दुर्गेश राजपूत स्वीट ड्रीम. अरे हाँ दुर्गेश अभी क्या लोरी भी सुनाओगे क्या भाई.
हार्दिक मिस्त्री 12 out of 20। चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।